मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। कश्मीर में हुए भारी बर्फबारी के बाद उत्तर बिहार के कई राज्य एक बार फिर ठंड के चपेट में आ गए हैं। कई राज्यों में बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। दरभंगा में भी शुक्रवार की सुबह से ही बारिश हो रही है। अगले 13, 14, 15 मार्च तक रुक रुक कर बारिश और आंधी तूफान आने के लिए मौसम विभाग ने आम जनता को अलर्ट किया है। मौसम खराब है, बूंदाबूंदी हो रही है, स्कूल में बच्चे लोग को दिक्कत हो रही है आने जाने में, लोगों में काफी भीड़ भाड़ कम, मार्केट में भी इसका असर पड़ा है। दरभंगा में नियोजित शिक्षकों का 8वें वेतन को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना 18वें दिन भी जारी रहा। दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना खराब मौसम के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में शिक्षक धरना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। देखिए, आज हमारा ये धरना कार्यक्रम का 18वां दिन है और सरकार की जो है हठधर्मिता यह दर्शाती है कि वह शिक्षकों के प्रति बिल्कुल ही चिंतनशील नहीं है। शिक्षक के साथ साथ आज तमाम लाखों बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में किसने किया, वह आरोप मैं लगाता हूं माननीय मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने शिक्षकों को ठगने का काम किया, विभिन्न प्रकार के बातों से लोगों को उलझाने का काम किया और एक नारा देते हैं कि 4 लाख बनाम 12 करोड़। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि 4 लाख शिक्षकों का जीवन किसने अंधकार में किया है, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बतावे। और आपको मैं बता दूं कि हम आंदोलन में हैं, फायदा और नुकसान की गणना हम नहीं करते हैं। हमारा काम है, हमारा हक जो है वो हमें मिले और वाजिब हक के लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारा उद्देश्य हमारे राज्य संघ के द्वारा वह वार्ता सरकार नहीं करती है। खुद को बिहार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताने वाली पुष्पम प्रिया को भले ही पिता का साथ मिल गया हो लेकिन चाचा ने साफ हाथ खड़े कर लिए हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि पुष्पम प्रिया के चाचा अजय चौधरी जदयू पार्टी के वर्तमान में दरभंगा जिला के अध्यक्ष हैं, जबकि पुष्पम प्रिया के पिता विनोद चौधरी पूर्व MLC हैं और वर्तमान में जदयू पार्टी के एक बड़े नेता भी हैं। गौरतलब है कि अजय चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि अखबार में खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताकर विज्ञापन देना उनकी मानसिक का दिवालियापन है और यह विज्ञापन हास्यास्पद है, लेकिन इस विज्ञापन से वे स्तब्ध भी हैं। उन्होंने अपनी भतीजी पुष्पम प्रिया को राजनीतिक जवाब देते हुए कहा कि बिहार में अगले 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री पोस्टर पर कोई वैकेंसी नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बराबर का कोई दूसरा नेता बिहार में नहीं है। विज्ञापन में बिहार की बदहाली वाले सवालों पर जवाब देते हुए भतीजी पुष्पम प्रिया को कहा कि बिहार में जंगल राज को समाप्त कर नीतीश ने सुशासन स्थापित किया है। यह हास्यास्पद लगता है, मैं स्तब्ध हूँ कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ करके पढ़ने में तेज थी, वो आएगी और कहेगी कि हम चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हो गए, तो इसका अर्थ है कि राजनीति की जो उसको बचपन से ही मिला है उसका कोको का नहीं उसका आइडिया है। चीफ मिनिस्टर इसे बनता है, और चीफ मिनिस्टर का पद का कोई वैकेंसी है क्या? आने वाले 15 वर्षों तक नीतीश कुमार ही बिहार की जनता चाहती है, मैं जिला अध्यक्ष के रूप में नहीं कह रहा हूँ, बिहार की जनता चाहती है कि आने वाले 15 वर्षों तक भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही रहें। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को सावधानी एवं सतर्कता बरतनी जरूरी है। उन्हें कहा कि राज्य सरकार के द्वारा सावधानी एवं सतर्कता बरतने हेतु एडवाइजरी जारी किया गया है।
इसके तहत लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि डीएमसीएच में 10 आइसोलेशन वार्ड तैयार हालत में रखा गया है। किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर यहां उनका रक्त सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और जांच हेतु पटना भेजा जाएगा। जांच में पुष्टि होने पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां चल रही है, इसमें सहयोग करें। डीएम ने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता एवं सतर्कता बरतने के संदर्भ में आयोजित बैठक में कही। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 16 मार्च 2020 से जिले के सभी पंचायतों में बारी बारी से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा के माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसमें विकास योजनाओं का स्टॉल लगाकर उन्हें उक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए बताया जाएगा। ग्राम सभा में भाग लेने वाले लोगों से सरकार की विकास योजना के बारे में फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। साथ ही उनसे यह भी पूछा जाएगा कि वे अपने गांव टोले के विकास के लिए और क्या चाहते हैं। इस ग्राम सभा के माध्यम से आम लोगों की आकांक्षाओं का आकलन करने की कोशिश की जाएगी। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि सभी ग्राम सभाओं में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं पर्यवेक्षीय कर्मी आवश्यक भाग ले। सभी आम सभा की प्रोसीडिंग तैयार की जाए। साथ ही कम से कम 10% ग्राम पंचायतों में जिला स्तरीय पदाधिकारी भी भाग लेंगे। इस बैठक में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने भाग लिया। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कुशल युवा कार्यक्रम के सहायक निदेशक एवं सहायक प्रबंधकों को जिले में संचालित KYP के सभी प्रशिक्षण केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। कहा कि KYP प्रबंधकों द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण नियमित नहीं किए जाने के कारण यहां काम ठीक से नहीं हो रहा है। समीक्षा में पाया गया है कि सहायक निदेशक सहायक प्रबंधकों द्वारा किसी भी केंद्र का निरीक्षण नहीं किया गया है, यह बेहद गंभीर है। सहायक निदेशक और प्रबंधक यह जान ले कि यही स्थिति रही तो अगले वित्तीय वर्ष में उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। BPSM की रैंकिंग में दरभंगा की स्थिति बेहद खराब है। सभी पदाधिकारियों को कड़ी मेहनत कर जिले की रैंकिंग में सुधार लाना होगा। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा जिले में अवस्थित मरने कमला नदी के संपूर्ण भाग का जीर्णोद्धार करने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता जल निसरण प्रमंडल दरभंगा को एक सप्ताह के अंदर मरने कमला नदी के लगभग 50 किलोमीटर स्ट्रेच का सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वे खुद इस नदी का निरीक्षण करेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना के तहत दरभंगा जिला की नदियों, तालाबों आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मरने कमला नदी के जीर्णोद्धार हो जाने से दरभंगा जिले में पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। 8 मार्च से 22 मार्च तक चलने वाले पोषण पखवाड़ा के अवसर पर दरभंगा जिले के सेविका सहायिका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर CDPO लेडी सुपरवाइजर आदि के द्वारा पोषण जागरूकता के लिए कलेक्ट्रेट से कैंडल मार्च निकाला गया, जो लोहिया टावर चौक नेहरू स्टेडियम होते हुए कलेक्ट्रेट वापस आया। वहीं उप आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो एवं DPO अलका अम्रपाली के द्वारा इस पोषण जागरूकता मार्च को हरी झंडी दिखाया गया। इस जागरूकता रैली में पोषण पखवाड़े के दौरान पोषक के 5 सूत्र, एनीमिया की रोकथाम, डायरिया नियंत्रण, स्वच्छता को अपनाना, पौष्टिक आहार का सेवन और जीवन के प्रथम 1000 दिन में उचित देखभाल करने का संदेश दिया गया। बिहार सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित कर दिया है। इन केंद्रों पर
13 मार्च से लेकर अगले आदेश तक सारी गतिविधियां बंद रहेगी। बच्चों का शैक्षणिक कार्यक्रम भी स्थगित रहेगा, लेकिन पके हुए गर्म भोजन का वितरण नियम अनुसार होगा। दरभंगा के कोतवाली ओपी क्षेत्र के मिशर टोला मोहल्ले में बैंक मैनेजर सहित दो किरायेदारों के बंद घर का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। होली में गृहस्वामी सहित दोनों किरायेदार पूरे परिवार के साथ अपने गांव गए थे। वापस आने पर घर का दृश्य देख परिवार के सदस्य दंग रह गए। घर का ताला टूटा हुआ मिला, पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था। गोदरेज के लॉकर को तोड़कर चोरों ने नकदी सहित सभी जेवरातों की चोरी कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची और काफी देर तक जांच की। इसके बाद एसएसपी बाबू राम के निर्देश पर डॉग स्क्वाड की टीम जांच के लिए पहुंची। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के गैनिक वार्ड में एक प्रसूता की मौत के बाद स्वजनों ने जमकर बवाल किया। स्वजन चिकित्सक और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगा कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हंगामे की सूचना पर पहुंची बेता ओपी पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। इसके बाद स्वजन निजी एम्बुलेंस से शव को ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से फैल रहे प्रदूषण पर रोक के लिए BS4 गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इन वाहनों की बिक्री 31 मार्च के बाद नहीं होगी। जिला परिवहन पदाधिकारी इस सिलसिले में विभिन्न कंपनियों के वाहनों के डीलरों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्हें कहा है कि डीलर 31 मार्च से पहले BS4 गाड़ियों का निबंधन समय से पहले करा ले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने की प्रशासनिक कोशिशों के बीच 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन वाहनों से निकलने वाला धुआं बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार जिले में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों की संख्या सैकड़ों में है। इस तरह के वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। बता दें कि 1 अप्रैल से पुराने वाहनों के खिलाफ अभियान चलेगा। दरभंगा रसोईया संघ की बैठक में वेतन भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना देने का निर्णय लिया गया। पंडासराय स्थित जिला कार्यालय में हुई बैठक में रसोइयों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, मानदेय 21,000 करने, 12 महीने का नियमित भुगतान करने, एनजीओ को मध्याह्न भोजन से बाहर करने, हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान करने सहित अन्य मांगों पर चर्चा हुई। साथ ही 20 मार्च को विधानसभा के सामने आयोजित धरने में शामिल होने का निर्णय लिया गया। एसएसपी के निर्देश पर रामनवमी से पहले उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए अब दरभंगा पुलिस सड़कों पर नियमित जांच प्रारंभ कर दी है। इसे लेकर के देर रात दरभंगा पुलिस सड़कों पर वाहन जांच अभियान जारी रखे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में होने वाले रामनवमी से पहले दरभंगा पुलिस सतर्कता बरतते हुए आने जाने वालों की कड़ी निगरानी से जांच कर रही है। दरभंगा में लंबी दूरी के ट्रेनों में बेड रोलर चादर रजाई रखने वाले बेड रोलरों के द्वारा लगातार शराब चादर के अंदर छिपा के रखी जाती थी। स्वतंत्रता सेनानी में 146 विदेशी शराब बोतल के साथ 3 बेड रोलर को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद से लंबी दूरी के ट्रेनों में पुलिस की सक्रियता और जांच बढ़ गई है। एसएसपी के निर्देश पर रामनवमी से पहले उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए अब दरभंगा पुलिस सड़कों पर नियमित जांच प्रारंभ कर दी है। इसे लेकर के देर रात दरभंगा पुलिस सड़कों पर वाहन जांच अभियान जारी रखे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में होने वाले रामनवमी से पहले दरभंगा पुलिस सतर्कता बरतते हुए आने जाने वालों की कड़ी निगरानी से जांच कर रही है। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा डीजे बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के बावजूद दरभंगा के सड़कों पर अभी भी नाचते घूमते डीजे बजाते हुए संचालकों को देखा जा रहा है। गौरतलब है कि लहरियासराय थाना पर सभी डीजे संचालकों को बुलाकर उनसे लिखित एग्रीमेंट लिया गया था कि वो डीजे नहीं बजाएंगे, लेकिन आज भी
सड़कों पर धरले से डीजे बजाते एवं नाचते झूमते लोगों को देखा गया है। लोगों ने यह भी कहा कि कुछ थाना की मदद से ये डीजे बज रहे हैं। भंगा एसएसपी बाबूराम ने बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में क्राइम मीटिंग आयोजित की, जिसमें दरभंगा के सभी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर डीएसपी के साथ समीक्षा की, जिसमें आने वाले रामनवमी की तैयारी एवं उपद्रवियों पर नज़र रखने के साथ मासिक कांडों का समय पर पूरा करने का भी लक्ष्य दिया। पिछले महीने कांडों के समापन और समीक्षा को लेकर के भी लक्ष्य दिया गया था। दरभंगा एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी को कहा कि मार्च के माह में सभी कांडों का त्वरित निष्पादन करते हुए लक्ष्य की पूर्ति करें। इसके अलावा रामनवमी को देखते हुए अपने अपने क्षेत्र में सघन गश्ती के साथ उपद्रवियों पर नजर रखें। आज क्राइम मीटिंग है, इसमें जिला के तमाम एसएचओ एसडीपीओ लोग मौजूद हैं और इस पूरे पिछले महीने में जो कांडों का निष्पादन हुआ है, वारंट कुर्की का निष्पादन हुआ है और विधि व्यवस्था पर्व का जो भी संधारण किया गया है उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा कुछ लूट कांड प्रतिविधित हुए थे, उनमें क्या उद्भेदन हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसकी समीक्षा की जा रही है और साथ ही मार्च महीने के लिए केस को चिन्हित किया जा रहा है, जिन केस का निष्पादन इस महीने किया जाना है और आगामी रामनवमी त्यौहार को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, उसके लिए निर्देश दिया गया। एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल टीवीडीसी रोड लहरिया सराय दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था, लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था, संपर्क करें रोज द मेडिसिटी दिग्घी वेस्ट मिसरटोला दरभंगा। हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा, सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा, मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक, वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग एमबीए एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।